नमस्कार मित्रों, और कैसे हो आप सब। आज लाइव आने का मुख्य कारण यह रहा कि हमारे जो नीम का थाना के किसान भाई हैं, किसान भाइयों को सावधान और आगाह करना चाहता हूं मैं लाइव के माध्यम से। नीम का थाना ताज़ा समाचार झलकों शेखावटी पर मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई पत्रकार दीपक शर्मा। और हमारे नीम का थाना में किस प्रकार से किसानों की जो फसल उगाई जाती है, मेहनत से, आर्थिक सहायता से, और दिन रात धूप गर्मी सर्दी दिन रात करके जो फसल खेतों में उगाई जाती है, उस फसल का उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। किसान की फसल को किस प्रकार से बाजार में ठगा जाता है, आज मैं उसकी जानकारी दूंगा। कि अगर आप भी नीम का थाना के किसान हो तो आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। यह आपका पत्रकार दीपक शर्मा आपको आगाह सूचित कर रहा है आज, क्योंकि अभी दो चार दिन पहले नीम का थाना के एक बाजार में मामला आया। वजन जो सरसों गेहूं जो इस टाइम कटाई हो रही है फसल की, उस वजन को कम तोलने का मामला और उस पर विवाद का मामला। क्या है कि जब नीम का थाना का किसान अथक मेहनत से, अपने परिश्रम से जब फसल उगाता है, दिन रात एक कर देता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठना, खेत में जाना, पानी देना, चाहे भरी सर्दी हो भरी गर्मी हो, गर्मी की धूप में भी किसान अपनी फसल उगाने के लिए करता है, लेकिन उसकी फसल वास्तव में लूटी जा रही है। नीम का थाना के बाजार में कुछ मामूली लोगों के द्वारा उसकी फसल को लूटा जा रहा है, वो कैसे आप शेयर करें। अभी 7 लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोगों तक लाइव पहुंचाएं, अभी शेयर करें जिससे आपकी फ्रेंड लिस्ट के लोग देख सके और मेरे लाइव आने का उद्देश्य सार्थक हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे लाइव तब मुझे लाइव आने में सही रहता है, नहीं तो फिर मैं लाइव ना आके वैसे ही किया करूंगा। तो आप लाइव को शेयर किया करें, बाकी मुझे कोई पैसा नहीं मिलता लाइव शेयर करने से, ना आपका पैसा कटता है। तो कुल मिला के बात यह है कि नीम का थाना के बाजार में जो हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके जो नाज की कटाई होती है, और नाज को, अनाज को जो सरसों गेहूं इस टाइम चल रहा है उसको यहाँ लाते हैं, और उस अनाज को यहाँ व्यापारियों को बेचा जाता है। दो चार दिन पहले क्या हुआ आपको मैं बात बताऊं। बिल्कुल कृषि मंडी का यहाँ है, कृषि मंडी में होना चाहिए जो कमेंट में कह रहे हैं। तो अनाज का क्या करते हैं, किसान भाई बाजार में बेचने के लिए लाता है, दो पैसे अपने पास अर्जित करने के लिए, दो पैसे इकट्ठे करने के लिए मेहनत से अनाज उगाकर उस बाजार में नीम का थाना के में लाता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यापारी द्वारा उस अनाज का मोल बताया जाता है, तो नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस मामले में एप्लीकेशन ही दर्ज हुई है, FIR नहीं हुई है, कोतवाली में भी गया है मामला नीम का थाना के डिप्टी महोदय के भी पास गया है। तो इस मामले में तो एक व्यापारी ने उस फसल का, सरसों का, गेहूं का जो दाम बताया, तो उसके बाद दूसरा व्यापारी आता है, दूसरा व्यापारी उससे 50 रुपए ज्यादा करीब दाम बताता है, ऐसा सुनने में आया है जानकारी में मेरे, उसी अनुसार आपको बता रहा हूं मैं। तो एक व्यापारी से छीनने के लिए ग्राहक किसान को छीनने के लिए कि ये अनाज मुझको दे दे, उसने 50 रुपए ज्यादा दिए। अब किसान क्या करेगा, किसान अपना अनाज उसी को बेचेगा जो ज्यादा रुपए देता है। लेकिन यही तो धोखा है, यही तो फ्रॉड है, यही तो फरेब है। और मेरे भाइयों शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, मुझे लाइव आने में तभी इंटरेस्ट आएगा तब आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप दिखा दीजिए दुनिया को, और निष्पक्ष आपके लिए पत्रकारिता करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे किसान भाइयों को फायदा मिले उनके लिए ये न्यूज बना रहा हूं लाइव आपके लिए। तो एक व्यापारी ने दाम बताए तो दूसरे व्यापारी ने तुरंत आकर कहा कि मैं ले लूंगा भाई तेरे अनाज को, किसान को कहा 50 रुपए या 30 रुपए ज्यादा। अब किसान क्या करेगा, उसी को देगा, लेकिन किसान को क्या पता इसके वजन तोलने वाले कांटे में भी फरेब है। और
ऐसा सुनने में आया है जानकारी अनुसार उस व्यापारी की पहले भी न्यूज चल चुकी है और पहले भी अनेक विवाद उस व्यापारी से हो चुके हैं। जो पहले व्यापारी से उसने छीन कर उस किसान को ज्यादा बताकर अपने साथ ले गया, फिर उसका वजन तोलने के लिए कहा, उसने वजन भी तोला लेकिन वो पकड़ा गया, वो व्यापारी पकड़ा गया और वजन कम था, यानी कि हर कट्टे में, हर फसल के कट्टे में, किसान की मेहनत के अनाज के कट्टे में अगर कोई व्यापारी वजन कम तोल देता है तो किसान को तो पता नहीं चलेगा। किसान तो ये सोच रहा है कि मुझे ज्यादा दाम मिल रहे हैं दूसरे व्यापारी से, तो मैं क्यों लूंगा, तो मैं ज्यादा देने वाले को लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं चोरी अनेक बार पकड़ी जाती है, चोर आज करेगा चोरी, कल करेगा, एक दिन पकड़ा जाएगा, वही कहावत अनेक बार उस व्यापारी के साथ हो चुकी और अभी 2-4 दिन पहले भी हुई कि वह व्यापारी पकड़ा गया। तो किसान ने विरोध किया, लेकिन विरोध क्या करे, सारे कई कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस विवाद के चक्कर में। जो पहला व्यापारी ने कम दाम बताए थे उचित जो भी है, उसके साथ भी दूसरे व्यापारी ने मारपीट की, अपने से बड़ी उम्र के व्यापारी थे उनके साथ मारपीट की, और उनके साथ जो दूसरा व्यापारी मारपीट करने वाला है उनके साथ उसने किसान का भी वजन कम तोला। तो ये वजन कम तोलना कांटे में मिस्टेक है और नाप तोल अधिकारी शिखर को भी मैं सूचित करूंगा कि इन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो वजन कम तोलते हैं। सारे व्यापारी ऐसे नहीं है, नीम का थाना के सारे व्यापारी में कुछ मामूली 2-4 व्यापारी ऐसे हैं जो वजन तोलने के नाम पे धांधली करते हैं, जो वजन तोलने के नाम पे किसान को ठगते हैं, क्योंकि 50 रुपए ज्यादा बता दिए बाजार की रेट से लेकिन वजन कम तोल दिया, कर दी ऐसी तैसी अगले की किसान की। तो यही है उसकी मेहनत की कसम, मेहनत की फसल थी किसान की, मेहनत की कमाई थी और गाड़ी कमाई को वजन कम तोल तोल के फिर ये आराम से बेचेंगे। 50 रुपए कम किए हैं तो 100 रुपए में आराम से उनको फायदा बेनिफिट मिल रहा है वजन कम तोलने से। तो कुछ नीम का थाना के व्यापारी हैं जो वजन कम तोलते हैं और एक व्यापारी है जिसकी अनेक बार विवाद हो चुका है बाजार में, और आप जानते हैं, नहीं जानते तो पता कर लेना, नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बिना मेरे हाथ में FIR आए हुए या बिना कोई गवाह आए हुए मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मामला मेरे पास पुख्ता है, इसके सबूत हैं। बाकी मेरे पास अभी ना तो पीड़ित आए, अगर मेरे पास पीड़ित आते तो मैं उनकी भी बाइट चलाता, उनको भी आपसे रूबरू करवाता। बाकी वजन कम तोलते हैं किसान की फसल के साथ, और आप शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं और फॉलो करें, फॉलो नहीं किया तो पेज को। आपके सामने निष्पक्ष पत्रकारिता पत्रकार दीपक शर्मा के साथ यूं ही दिखाई देती रहेगी, और A1 TV आ गया, उसमें भी है जिला प्रभारी नीम का थाना, वो अलग बात है, लेकिन झलको शेखावटी ये लोकल है आपका चैनल और लोकल आपको सेवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो हम पैसा कमाते हैं और ना और कुछ, बस आप लोगों की सेवा है एक, तो यही देखते हुए, बाकी मेहनत है विज्ञापन से अर्जित होते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, बाजार में अगर आप फसल का दाम करने आओ, फसल को बेचने आओ, तो सतर्क और सावधान रहिए, कांटे की जांच करवाइए, 2-4 जगह तुलवा के फिर लास्ट में उस व्यापारी को बेचिए जो ज्यादा दाम में ले रहा है। आज मेरी तबीयत भी खराब थी, जुखाम है थोड़ा, तो फसल उसी व्यापारी को बेचिए जो ज्यादा दाम में लेता है, लेकिन ज्यादा दाम देने के चक्कर में, ज्यादा फसल का मूल्य देने के चक्कर में वो व्यापारी आपका वजन कम तोल सकता है, तो सावधान रहें, यही निवेदन है आपसे। क्योंकि मेरा फर्ज था, एक पत्रकार का दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है कि आम जनता को, किसान भाइयों को सतर्क और सावधान करना, यही मेरा मूल कर्तव्य है। और वजन कम तोलने के, आप 4 दुकानों पे जाइए, 5 पे जाइए या गांव में अपने तुलवा के आइए, फिर बाजार आइए, आप वजन तुलवाएंगे नहीं, कांटे के 50 रुपए के कांटे के चक्कर में आप पूरे वजन की कर लेते हैं। वहाँ कुछ व्यापारी, 2-4 नीम का थाना के व्यापारी वजन कम तोल के पूरे मार्केट को और खराब करते हैं, पूरे मार्केट की और बदनामी करते हैं। तो नीम का थाना में वजन कम तोलने का गोरख धंधा है, किसान की मेहनत से उगाई हुई फसल को, किसान की दिन रात एक करके उगाई हुई फसल को ये लोग ज्यादा दाम में तो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की फसल का जो वजन है उसमें कटौती कर देते हैं, कांटा ऐसा सेट करते हैं, कंप्यूटराइज डिजिटल कांटा है उसको कुछ लोग ऐसा सेट करते हैं कि वजन कम हो और पता ही न चले। तो आप वजन तुलवाइए, 4 जगह है,
पांच जगह है, और फिर लास्ट में उस दुकानदार को बेचिए जो ज्यादा ले रहा है। फिर देखिए किसान को भी फायदा होगा और दुकानदार को हो रहा है तभी ले रहा है। और जो दुकानदार कम रेट बताते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो धांधली करेंगे। हो सकता है बाजार में यही रेट चल रही है, दुकानदार ने उचित बताया हो, लेकिन जो ज्यादा, ये क्या है कि एक व्यापारी आ जाता है, उसने मान लीजिए 1110 किसी फसल के बताए, तो दूसरा व्यापारी आएगा और फिर वो बोलेगा 1150 दूंगा मैं आपको। तो अब वो किसान क्या करेगा, 1110 के व्यापारी को छोड़ के 1150 वाले व्यापारी के पास जाएगा। फिर क्या होगा, वो 1150 जो 50 रुपए का 10-40 रुपए का लालच दिया है किसान को, वो वजन में कटौती करेगा, धांधली करेगा, जो कम तोलने में करेगा, और किसान को पता भी नहीं चलेगा, और किसान राजी होकर चला जाएगा कि मैंने आज 40 रुपए ज्यादा दे के आए, लेकिन किसान के वजन में धांधली मार ली, पहले ही कटौती कर ली उसके वजन में, तो फिर क्या फायदा। तो यही है निवेदन कि किसान अपनी मेहनत से फसल उगाता है, हम सभी का दायित्व है, हम भी शेयर करें, पूरे भारत में पहुंचाइए। क्या पता पूरे भारत में कितने किसानों के साथ ऐसा हो कि वजन में धांधली हो, और नाप तोल बांट अधिकारी भी आता है जो हर जिला लेवल पर होता है, उनसे भी आप शिकायत करें ऐसा मामला आ जाए तो, और पुलिस में शिकायत करें, और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो पूरे, ऐसे 2-4 व्यापारियों के कारण पूरे व्यापारी भी बदनाम होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के कारण जो किसान की, जो किसान भाई हैं उनकी फसल को, मेहनत से उगाई गई फसल को कम तोलते हैं, ज्यादा दामों पर लेते हैं। ज्यादा दाम क्या करेंगे, 50 रुपए ज्यादा दिए तो 100 रुपए का मार लेते हैं ये लोग। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और लाइव आके और भी घटना आपको दिखाते हैं। आप झलको शेखावटी पर नीम का थाना जिले की या अन्य और कई जगह की लाइव आप खबरें देखते हैं, और बाकी और भी मैं और मामले में भी लाइव करता रहूंगा। आप तो जुड़े रहें, पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, जुड़ जाना। बाकी सतर्क रहें, सावधान रहें, आप भी जागरूक करें किसान भाइयों को, अपने परिवार में बूढ़े माता पिता को, ताऊ को, चाचा को, इन सभी को बताएं कि बाजार में कुछ 2-4 व्यापारियों के द्वारा किस प्रकार से धांधली होती है। पहले भी न्यूज प्रकाशित की है मैंने, अब तो मेरे पास कोई आया नहीं तो मैं कहां से करूंगा, लेकिन मैं खुद बता रहा हूं आपको, मेरा कर्तव्य है तब बता रहा हूं, नहीं तो आजकल कोई पत्रकार नहीं बताता। पहले सबूत इकट्ठा करते हैं फिर बताते हैं, मेरे पास सबूत है इतना कि व्यापारी ने कम तोला, और थाने में भी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन रिपोर्ट तो की नहीं गई, एक शिकायत दर्ज की गई बताई। और एक व्यापारी जो कम बताए थे उसके साथ भी दूसरे व्यापारी ने मारपीट कर ली, जबकि वो तो बच्चा था, जो दूसरा व्यापारी जो धांधली करता है, और जो उसकी कई बार शिकायत आ चुकी है, और जो बुजुर्ग थे व्यापारी उनके साथ भी मारपीट कर ली, और ग्राहक भी किसान की भी फसल को कम तोल दिया, किसान को पता चला तो किसान ने भी पुलिस में शिकायत की। तो यही है, तो आप शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, मेरा लाइव आने का यही कारण है। मुझे जब थोड़ा महसूस होता है कि जब लाइव नहीं आता हूं मैं, और ज्यादा लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जुड़ जाना चाहिए, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में लाइव में लोग देखेंगे तो ज्यादा जुड़ेंगे, और तभी मेरे लाइव आने का उद्देश्य है। क्योंकि लाइव आने से एक फायदा है, क्योंकि एडिटिंग करेंगे 3 मिनट की वीडियो में तो उसमें समय लगता है, और लाइव आने में आधा घंटा बोलते रहें, कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहें, लेकिन लाइव में सीधा अपलोड होता है इसलिए एडिटिंग में भी समय नहीं लगता। और यही है नीम का थाना की अनेक समस्या उठाते हैं, लेकिन कई बार बिजी रहने के कारण, लोड ज़्यादा होने के कारण, न्यूज़ की एडिटिंग भी करना, न्यूज़ की वॉइस भी करना, वॉइस ओवर भी करना, और भी है A1 TV का भी काम देखना, सेटेलाइट है पूरे भारत में, और तो इस प्रकार से और भी काम है, और भी एक जल्द आपको सूचना देंगे। तो कुल मिला के बस यही निवेदन है कि फसल को कुल मिला के उचित दामों पर, फसल को उचित दामों पर बेचें, अच्छी बात है, जो ज्यादा दे व्यापारी उसी को बेचें, लेकिन वजन में धांधली ना हो, कहीं आपको ठगा ना जा रहा हो, कहीं आपके वजन में जो मेहनत से उगाई गई फसल में हर कट्टे पर, हर 50 किलो पर 2 किलो वजन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, जानते हो सब आप। तो आप सावधान रहें पूरे भारत में, और ये पार्टियां भी ये मामला नहीं उठाती हैं, इन पार्टियों को, इन नेताओं को भी उठाना चाहिए, और यहाँ के
और विषय पे बोलना नहीं चाहता, मैं बाद में बोलूंगा अलग अलग लाइव में। बाकी चुनाव नजदीक हैं और इन जो भी धांधली करता है, वजन कम तोलता पाया जाता है, उसकी कार्रवाई करें। और आपके पास जो गांव में भी अगर मान लीजिए अनाज लेने आते हैं, उनसे भी सावधान रहिए, क्या पता वो भी कर सकते हैं वजन कम तोलने का काम आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ठगे जाओगे। तो वजन आपकी फसल का कम ना तोले कोई भी, ऐसा आप ध्यान रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसे नीम का थाना के लोग थोड़े कुछ लोग डरपोक ज्यादा हैं, थोड़े बहुत लोग बुद्धिल नहीं है, पराक्रम है उनमें, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, वो नेता ऐसा कर देगा, वो नेता ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, फलाना ढीकड़ा वो हम ऐसे करेंगे। अरे आप जागरूक नागरिक बनिए, आप संविधान को पढ़िए, संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़िए, आप कानून को पढ़िए, आप हिम्मते मर्दा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो आप हिम्मत करोगे तो ही खुदा मदद करेगा, तो ही भगवान मदद करेगा, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और आप अपने ना अनाज की अगर उचित मुआवजा, उचित फसल का मूल्य लेते हो तो वजन भी कम ना तुलवाएं, यह आपका फर्ज है। और मेरा तो सावधान आपको सचेत करने का कर्तव्य था, क्योंकि एक पत्रकार का कर्तव्य होता है कि समाज में सभी को जागरूक और सतर्क और सावधान करना, सचेत करना। जो बुराई समाज में फैल रही है उसके खिलाफ एक मामला प्रकाशित करना, प्रकाश डालना, यही इसका वो है। और बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हैं लाइव में, बाकी मैं कसवा जी ये जुड़ रहे हैं, इनसे बात करूंगा मैं। ये नहीं हो रहे, एडिंग हो गई। तो किसान फसल का उचित मूल्य, तो ज्यादा मूल्य के लालच के चक्कर में वजन कम करवा देते हैं, बस बात वहीं आ जाती है। तो मेरा तो यही है आपसे कि ज्यादा मूल्य के चक्कर में ना आए, अगर मूल्य मिलता है चार जगह पूछताछ करें, बाजार में मोल भाव करें अपने अनाज की कीमत का, और कृषि मंडी में अगर वहां व्यवस्था नहीं है तो उनके खिलाफ शिकायत करिए अधिकारियों के। अब पत्रकार ही क्या है, अकेला क्या करेगा, नागरिकों का भी कर्तव्य है, ये भी मेरा ही फर्ज था, कर्तव्य था। मैंने दिखा रहा हूँ आके, आपको सावधान कर रहा हूँ कि किसान की फसल को कम तोला जा रहा है दो चार व्यापारियों के द्वारा, सावधान रहे, सतर्क रहे। और किसान हमारे देश की आन बान शान है, जय जवान जय किसान ये नारा भी है। और सच में किसान वही है जो इस देश का पेट भरता हो, जो इस देश के लिए फसल उगाता हो। अगर कल को फसल ही नहीं उगेगी तो पेट कहाँ से भरेंगे। लेकिन किसान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और बाजार में भ्रष्टाचार, या पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर आदमी अपना पेट भरने के लिए कर रहा है। बाजारों में आप, गांवों के दुकानों में आप देखोगे, वहां रसगुल्ले भी मिलावट के बनाए जाते हैं अधिकतर दुकानों पे, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। आप खा कह रहे हैं, बाजार में जो पुचके वाले हैं वो भी शार्टरी वगैरह केमिकल मिला के आपके बच्चों को, आपके बहन को, माता को, हमारी बहन माता को खिला रहे हैं, आपको खिला रहे हैं पुचके। हैं इमली या खटाई का तो उपयोग कम करते हैं कुछ लोग, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बाहर से आ रहे हैं कमा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे देश में सभी का अधिकार है, सब देशवासी है, कोई नीम का थाना कोई बाहर का नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ अपनी कमाई के चक्कर में, अपने भवन बिल्डिंग गाड़ी के चक्कर में लोगों के जीवन के साथ तो खिलवाड़ ना करें। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहाँ जवाब देना पड़ेगा। धर्म शास्त्रों में भी फिर पाप की सजा का वर्णन है, आध्यात्मिक अनुसार भी, धर्म शास्त्रों के अनुसार भी पाप की सजा निश्चित है। हर धर्म में है, हिंदू धर्म में नहीं है, मैं बात सभी धर्मों की कर रहा हूँ, सभी धर्म में है। अब माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। और माया को बड़ी ठगनी कहा गया है, माया के प्रभाव में आकर बस दिखता वही है जो उनको अच्छा लगता है, दिखता वो नहीं है जो अच्छा है। तो शेयर करें आप, और किसान भाइयों की जो भी फसल कम तोली जाती है उससे सावधान रहें। ज्यादा मूल्य किसान की फसल का बता दिया जाएगा और किसान बेच भी आएगा, लेकिन किसान को पता नहीं कि उसकी फसल कम तोल के ली गई है। उसकी फसल मान लीजिए 5 क्विंटल अनाज था,
किसान ने खेत में उगाया और 5 कुंटल अनाज की कटाई सफाई और उनको बोरियों में डालकर उनको अपने निजी वाहन या किराए पर वाहन लाकर उसको किसान बाजार में लाता है। फिर बाजार में व्यापारियों में भी कंपटीशन है, एक आ 1110 बताएगा तो दूसरा 50 बताएगा। अब 50 वाला क्या करेगा, 50 वाला ये करेगा जो ज्यादा दाम बता रहा है कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने का डर है, वो वजन कम तोल देगा। और ऐसा हुआ, पहले भी हुआ। और हमारे अनिल जी कसवा भी जुड़ना चाहते थे, वो जुड़े नहीं, क्या बात है। कोशिश करता हूं मैं, और आप भी जुड़ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, आप भी कोशिश कर सकते हो। मैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे कसवा जी राम जुड़ गए। जी, हाँ कसवा जी, मेरा भी बताइए। यही राम हाल राम। है। राम जय हिंद, जय राम। भारत। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये लाइव कर रहे थे। आज किसान की फसल को कम तोला जाता है, उस संबंध में कसवा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्सर हमारे हमने भी सुना होता साथ होता अनिल है। जी कसवा है, जो फौजी है, आईटीबीपी में तैनात है और लगातार पेड़ बचाओ जीवन बचाओ की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। करीब 76,000 पौधे इन्होंने लगाए हैं और हर स्कूलों में जाके बच्चों को भी इन्होंने परामर्श दिया है, सावधान किया है, सचेत किया है और एक उचित महत्व इन्होंने समझाया है। और हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कसवा जी, धन्यवाद, आपका कसवा जी स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और भी जुड़ सकते हैं लोग। हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप भी। हम अक्सर आपके वीडियो देखते रहते हैं, बहुत खुशी होती है हमें कि आप बिल्कुल, एक समाज दिन मर को जाएंगे एक लेकिन नई इस दिशा दुनिया देने के का लिए कुछ काम कर करके रहे हो। जाएंगे। ऊपर वाले ने भेजा है ना कसवा जी, तो दुनिया के लिए कुछ करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होती है मरना कि तो सभी है। ऐसे लोग भी हैं। आपकी वीडियो देख के हमें बहुत प्रतीत होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो अक्सर निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते हैं। ये नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है कसवा जी। ये बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल, ने हमें पत्रकार बनाया है तो ये जिम्मेदारी दी है, पक्षियों की, जीवों की, या किसान जो गरीब होता है जिसके पहनने के कपड़े भी मैले हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी करते हैं, जो मतलब उनके गुजारा एक फसल से है, और उस किसान की फसल को अगर कम तोला जाता है तो मेरा आज 2-4 दिन से मुझे समय नहीं मिला, आज मुझे समय मिला लाइव आने का और चर्चा करने का कि किसान की फसल के बारे में अवगत कराया जाए, किस प्रकार से किसान की फसल को ठगा जाता है, किसान की मेहनत को ठगा जाता है, किसान के जीवन को, ईमानदारी को ठगा जाता है। ये किसान को सतर्क सावधान करना और परामर्श देना मेरा कर्तव्य था बिल्कुल एक बिल्कुल, पत्रकार के तौर पर, क्योंकि जैसा मानवता अक्सर जरूरी नहीं, है पत्रकार के साथ। हाँ वैसे तो देखा जाए तो हमने ये देखा है कि दुकान पे हम ले जाते हैं, जैसे मंडी में भी ले गए तो मंडी में भी क्या बिल्कुल करते हैं, जैसे किसान को ये नहीं पता होता कि उसकी उसको देनी है कि नहीं देनी है। वो दो जो व्यापारी होते हैं वो आएंगे, अपना भाव नाव करेंगे, बोला ये इतने की है, इतने की, इतने की, और आपस में कर करा कि इसमें जीन नहीं है, वो फलाना नहीं है करके, लो जी उसका रेट फिक्स कर देंगे। जबकि किसान को उसका रेट फिक्स करने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार जो एमएसपी की जो गारंटी देती है वो भी नहीं दे रही है। एमएसपी जो कर रखा है निर्धारित, उसके हिसाब से भी लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है, किसान जाता है सब मंडी में देने के लिए तो बोलेंगे कि जी आप तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता है, बोला पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो मजबूरी में किसान क्या करता है, वो उनके पास ले जाता है जो दूसरे लोग हैं, जो व्यापारी है, सही वो बात व्यापारी, आपकी। कहीं ना कहीं उसमें कांट छांट करके उसको भाव तो ऊंचा बता देंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा बता दिया मान लो, उसके साथ में क्या करेंगे, उसमें उसमें बोलेंगे तो थोड़ी गीली ज्यादा है, देखो मशीन में डालेंगे, बोलेंगे तो गीली है इसमें जो तो। इलेक्ट्रॉनिक हाँ जो काटा है ना उसमें धांधली करते हैं, उसमें वजन कम तोलते हैं कुछ 2-4 व्यापारी नीम का थाना के, और मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को किसानों का फायदा जरूरी है और उन किसानों का जो गरीब है, मैं मूर्ख है उनका, क्योंकि नहीं, देखो किसान को अमीर जो है अमीर वो किसान समझना तो यही है। सावधान है, अमीर किसान तो जागरूक है, लेकिन गरीब कहाँ से जागरूक होगा। गरीब को ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और गरीब किसान सावधान हो और 4 जगह अपना वजन फसल का तुलवाए फिर बेचे। ये बात तो सही है आपकी, पर अक्सर वही देखा जाता है ना कि मजबूरी में आदमी करेगा, मतलब एक व्यापारी के पास बिल्कुल ले गया, एक व्यापारी के पास ले गया, वहां उसको तुलाना पड़ेगा। अगर दूसरे के पास जाएगा तो
तो उसका वो बिल्कुल बिल्कुल आपस में बात करके कोऑर्डिनेट करके उसका रेट कम कर देगा, बोला मैं तो लूंगा नहीं, आपकी तो गर्म गिल्ली है, ये है वो है, फिर किसान क्या करेगा उस समय। तो मेरा तो बिल्कुल प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, इस मामले में जहां तक कहीं भी है बिल्कुल। कोई भी समस्या तो उसको प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे पर प्रशासन को ऐसे शिकायत कौन लोगों की करे। अगर हाँ, शिकायत आती प्रशासन के है, पास शिकायत गई है, पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे व्यापारियों के हाँ खिलाफ। सही बिल्कुल, बात है। हाँ अगर प्रशासन के पास ऐसी शिकायतें जारी हैं तो उनको उन लोगों के लाइसेंस रद्द करने चाहिए और उन पर कठोर कानून लगाने चाहिए, बिल्कुल। आज ये तभी गुजरात समाज ने का खाद्य सुधार हो पाएगा। लाइसेंस दे रखा है, बताइए नहीं जो उनको ये बताइए। ये जो लाइसेंस भी होते हैं ना इनको खरीदने के, हर कोई तो हाँ खरीद नहीं हाँ सकता, हर कोई तो ठेकेदार बन नहीं जाएगा, नहीं चलो मेरे पास पैसे हैं मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं भी खरीद नहीं सकता। मेरे पास भी एक वो होता है कि मैं एक बोरी दो बोरी से ज्यादा मैं भी नहीं खरीद सकता, नहीं वो स्टॉक करने का माल बात तो सही है, स्टॉक करने लेकिन के जो कोई मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और वो ये लोग जो दूसरे देखिए लोग हैं जो व्यापारी एक हैं वो ये करवा के मानेंगे, तो मेरा तो ये कहना है कि प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस के पास अगर शिकायत गई है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे पास तो कोई आया नहीं, तो मैं न्यूज लाइव करता उसकी जो पीड़ित को दिखाता, लेकिन पीड़ित डरते हैं, लोग नीम का थाना के लोग डरते हैं, अपनी वजन कम तुल जाए, ऐसी तैसी हो जाए मेहनत की, लेकिन सामने नहीं आते। सामने आओ, अगर जिस भी किसान की फसल कम तोली गई है नीम का थाना के बाजार में, मैं उसका साथ दूंगा, मैं पत्रकार के नाते उसका साथ दूंगा और पूरी उसकी मदद करूंगा किसान भाइयों की, और पूरा न्याय दिलाऊंगा और उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा अगर जो भी बाजार में वजन कम तोलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी पूरा सहयोग करेंगे आपके इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जहां तक हो सके लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई राय देना चाहेंगे आप इस मामले में? मैं तो यही कहूंगा कि प्रशासन को हमें अवगत कराना चाहिए साथ के साथ, और कुछ लोग ऐसा जो कर रहे हैं उनके जो मुखौटे जो है समाज के सामने उनको लाना चाहिए, और जो भी किसान साथी हैं सुन रहे हैं जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी से यही अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि आपका साथ देने के लिए पत्रकार जी आपके साथ खड़े हैं, ऐसी अगर कोई भी घटना आपके साथ होती है तो पत्रकार जी को अवगत कराएं ताकि वो इस चीज को सामने ला सके। आप डर बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल दुनिया डर रही है लेकिन आप तो नहीं डर रहे, आप निडर रूप से उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हो, तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो आपका सहयोग करें। देखो हर चीज में सीधी सी बात यही है कि जहां तक कोऑपरेशन करेंगे मतलब सहयोग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक अकेला कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जी और बिल्कुल जैसे कहते भी हैं कि दो तालियां आप जब तक दो हाथ नहीं मिलेंगे तब तक ताली नहीं बजेगी, या फिर दो हाथ नहीं मिलेंगे तब तक हाथ नहीं धुलेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल इस समाज की सफाई करने के लिए दोनों हाथों को मिलाना पड़ेगा, किसान को भी आपके साथ आना पड़ेगा अगर आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो तो। बिल्कुल, किसान के साथ तैयार हो, अगर किसान के साथ फसल कम तोली जाती है नीम का थाना के बाजार में, मेरे पास आए, मैं मदद करूंगा उनकी पूरी। हाँ तो मैं यही कहूंगा कि इसको वीडियो को ज्यादा से और ज्यादा एक शेयर बार करें। फोन ये चार्ज में लगा लेता हूँ, आप एक बार चालू रखिए, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसान साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें कि किसी भी किसान की अगर आपको लगता हो कि मेरी फसल कम तोली जा रही है और तो वो आप तक खबर पहुंचाए, आपसे संपर्क करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल तखवा जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा और बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप भी किसान के समर्थन में आए, और कोई भी आप भाई अपनी बात कहना चाहे तो हमारे सामने आ सकते हैं, वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम उनको लाइव जोड़ेंगे और लाइव चर्चा करेंगे, हमारे दर्शकों से भी हम लाइव चर्चा करेंगे। आप आइए लाइव, और हो सके तो अब रोजाना करेंगे लाइव चर्चा और समस्याओं का समाधान आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अभी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और हमारे फौजी अनिल कसवा हैं जो बेहद पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत इनमें दिल में है पेड़ों की सेवा करना, पर्यावरण को बचाना, क्योंकि वायु के कारण ऑक्सीजन के कारण ही हम आज जीवित हैं, जो हम ले रहे हैं ना ये सांस, ये यही है कि मत। और बाकी देखो तो जी, अगर आपको सांस ही एक नहीं, बात देखो एक छोटी सी चीज और मैं बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से चर्चा कर रहा था तो हाँ बात आई थी पशु पक्षियों की, हाँ
तो क्या होता है कि जैसे सबसे मुख्य क्या है ना, जैसे कि किसान है वो तो पर्यावरण का प्रेमी है बहुत ज्यादा, मैं तो मानता हूँ उसको, कि किसानों की बदौलत ही आज जितने भी पेड़ पौधे भी बचे हुए हैं वो उन किसानों की बदौलत ही बिल्कुल बचे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका तो मुख्य रूप से वो सहयोगी है इस चीज में। और मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूं, तो मुझे बहुत खुशी है ईश्वर ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया। मुझे गर्व जी, होता बहुत है बढ़िया। कि ईश्वर ने हमें किसान के घर जन्म दिया और हमें वो सब चीजें देखने को मिली जो कि हर इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ है किसान के पास। वो हर परिस्थिति में अपने आप को उसके अनुकूल करना अच्छे से जानता है किसान। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, हम हमने किताबों में पढ़ा होगा, पारिस्थितिक तंत्र उसका मुख्य रूप है पेड़। पेड़ नहीं होंगे मतलब पेड़ नहीं होंगे, हरे जो भी फसलें नहीं होंगी मान लो, तो हम खाएंगे क्या? पशु पक्षी हैं एक मिनट जो आपको रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जो फौजी अनिल का सवाल बता रहे हैं वो भी एक किसान के बेटे हैं, वो भी किसान है लेकिन एक पर्यावरण का महत्व वो समझा रहे हैं जो 70,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके। वो बताइए कछवा जी। देखो, पारिस्थितिक तंत्र है ये, कोई इकोसिस्टम है एक अपना। आपने किताबों में पढ़ा कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, प्राकृतिक आवास जो है वो पेड़ों को बताया गया है, क्योंकि इंसान तो अपने घर बना लेता है, पशु पक्षी हैं उनके लिए पेड़ ही है रहने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? अगर हम उन पेड़ों को काट देंगे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? सपोज करो अगर पशु पक्षी नहीं रहेंगे, पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं छोटे छोटे, ये जो पशु पक्षी होते हैं ना छोटे छोटे, कीड़ों को खाते हैं, पक्षी कीड़ों को खाते हैं, और कीड़ों को अगर पक्षी नहीं खाएंगे तो कीड़े ज्यादा हो जाएंगे, वो हमारी फसलों को खाएंगे, और फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा तो फिर हम क्या खाएंगे? बिल्कुल सीधी सी बात, सत्य का सी बात। बिल्कुल और ये पक्षी नहीं होंगे तो कीड़े मकोड़े होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। आज बहुत से छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, मान कुछ दिन पहले जाए कोई भी बीमारियां फैलती है, उसमें मुख्य रूप से आदिम पशु पक्षियों का है। स्वाइन फ्लू बिल्कुल आया, आपने देखा स्वाइन फ्लू आया था एक रोग, वो सुअर के कुछ ऐसे बोल रहे थे कि सुअर की वजह से फैल रहा है, वो भी कीड़े की वजह। मलेरिया है, वो भी मच्छर की वजह से होता है। तो उनको कम करने का, उन कीड़े मकोड़ों को कम करने का काम करते हैं पक्षी। पक्षी नहीं रहेंगे तो इंसान क्या जीवित रह पाएगा? मानव अस्तित्व खतरे में है। अगर अब आपने देखा होगा कि पहले कौवे कितने हुआ करते थे अपने आसपास में। आज एक कौवे की घटना बताऊंगा आपको, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आज श्याम मंदिर के पास मैं लाइव करके आया हूँ। वहां क्या है कि कुछ ज्यादा धर्मात्मा समझने वाले लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी जो कुरकरे है नमकीन है वो श्याम मंदिर के पास जो पक्षियों को दाना डाला जाता है वहां डाल देते हैं। जो एक्सपायरी डेट की जो कुरकरे नमकीन है, रेवड़ियां है, जो इंसानों का भोजन है वो पक्षियों को रेवड़ी डाल तो देते हैं जबकि दाना अभी डालना चाहिए। 30 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है श्याम मंदिर के पास उन एक्सपायरी डेट की दवा डालने से। अजी दो भी जो भी पक्षी उसको खाएगा वो क्या होता है ना, जैसे आपने अभी बताया कि नमकीन कुरकरे डाल रहे हैं, रेवड़ियां डाल रहे हैं, उससे क्या होता है, जैसे रेवड़ी को खाएगा वो क्या होता है, पक्षी के जीभ में जाके चिपक जाएगा, उसको फिर पानी की तलब लगेगी, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। जाहिर सी बात है बिल्कुल कि पानी भी आजकल, सीधी सी बात, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। पेड़ तो मुख्य रूप से हर जगह इंसान को, मैं बिल्कुल कहता हूँ अपने किसान जीवन काल में, किसान के लिए पेड़ वरदान है। अजी हर हर सभी के लिए है वो। देखो पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं, अगर देखे जाए तो पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो तो मुख्य है ही है। और मैं पेड़ एक 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 बार आपको एक बार रोकू कसवा जी आपको, जी मैं जी हमारे बिल्कुल जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप भी कमेंट में सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। शेयर तो आप करो चाहे मत करो, आपकी इच्छा है या मत करना, लेकिन आप सवाल का जवाब देना कि अगर आपको एक कांच के कमरे में, ग्लास के कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे में बंद करने के बाद में आपको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़े और जो जो समय बढ़ेगा त्यों त्यों आपको सांस घुटने लगेगा, उस वक्त आपसे पूछा जाए कि अब बताइए हीरे चांदी सोने और रुपए से भरे कमरे लेना चाहोगे या सांस, प्रधानमंत्री का पद लेना चाहोगे या सांस, मुख्यमंत्री का पद लेना चाहोगे या श्वास जो ऑक्सीजन वो लेना चाहोगे,
वहां व्यक्ति के सामने सारे दुख फीके हो जाएंगे और वहां क्या मांगेगा व्यक्ति, जाहिर सी बात है, संसार के सारे सुख जिसके पीछे इंसान पागलों की तरह भागता है ज्यादा, उस तो अपने परिवार की जिम्मेदारी कर्तव्य है, तो तपस्या है, ये तो कर्तव्य है। इसके अलावा जो अनैतिक रूप से भागते हैं पैसों के पीछे, उनको पूछिए कि श्वास सही है पैसों से भरे कमरे, हीरा चांदी से, या मुख्यमंत्री का पद, या श्वास ऑक्सीजन, तो क्या मांगेगा आप कमेंट में लिखिएगा। और इतना महत्व है क्योंकि एक बात और बताऊं मैं आपको, जो ऑक्सीजन इतनी कीमती है जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, वह ऑक्सीजन इन पेड़ों से आती है जिसको कसवा जी लगातार फॉलो कर रहे हैं पर्यावरण बचाव को, और वही ऑक्सीजन आज तक दुनिया में एक भी माई का लाल, यानी कि कहावत है, ये कहावत बता रहा हूँ बुरा मत मानना, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है आदरणीय, कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जो एक पेड़ का पत्ता भी बना के दिखा दे, एक पेड़ का पत्ता भी उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हजारों लाखों अरबों खरबों पत्ते बना दिए, और उन पत्तों से हमें वो श्वास ऑक्सीजन मिलती है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसके सामने प्रधानमंत्री का पद भी फीका है, जिसके सामने ये सब कुछ फीका है। तो आप लिखना जरूर। तो कसवा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बताएं आप। नहीं देखो, काम तो सभी कर रहे हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं लोगों को जगाने का, और लोगों के सहयोग से हो रहा है, हम तो खाली एक प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, सकारात्मक प्रयास हमेशा करना चाहिए, मन में ये निराशा नहीं रखनी चाहिए कि काम हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, सफलता और असफलता हमारे विचारों में है। अगर हमारे विचार अगर सफल होंगे तो श्योर है हम सफल होंगे हर जगह, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, जब तक हम वो कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो हमने प्रयास किया था जनता को जगाने का, और कहीं ना कहीं हम उस पर सफल भी हैं। आज हमने लगभग जो भी पौधे पिछले साल जो वितरण करवाए स्कूलों के माध्यम से बच्चों के पास, तो उनमें से अभी हमने फीडबैक लिया पिछले दिनों सभी स्कूलों में पता करके, लगभग 80% पौधे सर्वाइकल कर रहे हैं, और वो पेड़ जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन जनता को पता चलेगा कि हाँ कुछ तो किया है हमने, क्योंकि उसके प्रभाव कहीं ना कहीं नीम का तना में जरूर नजर आएगा आने वाले 3 से 4 साल में। 58,000 में से अगर 20,000 पौधे भी सक्सेस हो गए, नहीं नहीं करते 10,000 पौधे भी अगर सक्सेस हो गए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा लोगों को। एक हम जो देखते हैं कि डस्ट जो उड़ती है, आपने देखा होगा, अब अक्सर हम कई शहरों में जाते हैं, पौधों के ऊपर इतनी डस्ट होती है, तो वो डस्ट को अवशोषण करने का काम पेड़ करते हैं। और जैसे हिमाचल में हूं मैं अभी फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, यहाँ पे पेड़ों पे बोले एकदम ग्रीन पत्ते दिखेंगे आपको, नो डस्ट, बिल्कुल भी डस्ट नहीं दिखेगी, और पेड़ ज्यादा ग्रोथ भी करते हैं। और अक्सर यहाँ आपने सुना होगा मेघालय में तो अक्सर बारिश होती रहती है, नाम ही मेघालय उसका, और वो मेघालय नाम भी इसी वजह से है क्योंकि वहां पे कहते हैं कि 70% एरिया में पेड़ पौधे हैं मेघालय में, मेघालय का जो क्षेत्र है उसमें 70% एरिया में पेड़ पौधे हैं, उसकी वजह से वहां पर बारिश का कोई, बारिश इतनी होती पूछो मत। और कहते हैं कि पेड़ जो मुख्य काम करते हैं बादलों को बुलाने का, तो वो पेड़ ही करते हैं, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर बादल नहीं आएंगे, तो फिर बारिश नहीं होगी। तो सबसे जो पारिस्थितिक तंत्र का जो मुख्य हिस्सा है वो पेड़ ही है, और पेड़ों में जो सबसे ज्यादा सहयोग आज के समय में जो कर रहे हैं वो किसान साथी हैं, और इन किसानों का दुख सरकार को मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं दिख रहा है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो फसल कम तोली जा रही है, तो प्रशासन का भी सही फर्ज बनता है इस पे प्रयास करना चाहिए कि इसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, किसी भी किसान के हमारी खबर से भी संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, अगर ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो इनका औचक निरीक्षण भी करना चाहिए, इनके तोल बट्टे जो हैं वो भी मानक जो हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो भी हमारे दर्शक साथी देख रहे हैं और उन विभागों से अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने हिसाब से भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में, जरूर हमें प्रयास करेंगे। अभी हमारे को भी वही दीपक जी ने भी बताया है,
तो हम भी प्रयास करेंगे, हमारी संस्था के माध्यम से भी हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इस आपके हमारे आप सभी दर्शकों का हमारा क्या है, झलको शेखावती नीम का थाना तथा समाचार, ये आप सभी दर्शकों का है, आप सभी दर्शकों का प्यार दुलार है। जो बट्टे होते हैं उनमें एक विभाग है जो कौन सा होता है जो वो उनमें वो मानक को वो करता है नाप तौल अधिकारी आते हैं वो, और वो यहाँ नहीं है, अभी नीम का थाना जिला बना है। जी जी जी, नीम का थाना जिला बना है, नाप तौल के अधिकारी आते हैं, वो जांच करते हैं कांटों की, जो कंप्यूटराइज कांटे हैं, तो फूड सेफ्टी यंत्र है, फूड सेफ्टी विभाग शायद ये देखता है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, फूड सेफ्टी अलग बात है, इनमें नहीं है शामिल एक प्रकार से, पर नाप तौल अधिकारी थे मेरे, उनके नंबर भी हैं, लेकिन वो शिकर बैठते हैं यहाँ। अभी नया जिला बनने के बाद नीम का थाना में सुविधाओं का इतना ज्यादा विस्तार नहीं है। जी जी, अगर आपके पास नंबर है तो आपको प्रयास करना चाहिए, फूड सेफ्टी विभाग को एक बार जरूर अवगत कराना चाहिए। नहीं, मैं नाप तौल अधिकारी को अवगत कराऊंगा कि नीम का थाना में किस प्रकार से किसानों के साथ लूटा जा रहा है, धांधली की जा रही है मात्र दो चार व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि मैंने पड़ताल की, सभी व्यापारी ऐसा नहीं करते, लेकिन दो चार है वही पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, पूरे बाजार को भी, और व्यापारी भी नहीं बोलते, इसका विरोध नहीं करते ना। मुझे किसी व्यापारी ने कहा, मैं तो बोला कि मेरे पास आइए, शिकायत दीजिए, वीडियो दीजिए, लेकिन सब डरते हैं। ये तो है, जनता में कहीं ना कहीं पता नहीं जनता को क्या किस चीज का डर लगता है, सामने आने से बहुत बचते हैं ये तो। लेकिन किसान को डरना नहीं चाहिए, ये आप मान लीजिए कि दुनिया में अगर 100 लोग अगर कचरे के समान है तो 5 लोग हमें अच्छे मिल जाएं, वो भी हमारी ताकत है, तो दुनिया में 5 लोग भी हमारे अच्छे हों, सभी के किसान भाई के भी 5 लोग मिलेंगे हम जैसे या और कोई, तो 5 लोग भी 100 के बराबर होते हैं, 100 के बराबर 5 लोग होते हैं, अगर हमें तो अच्छे लोग 5 भी मिलते हैं 100 की बजाय, नहीं ये तो बात किसान की फसल है। और अब गर्मी आ गई, अब बारिश भी आ रही है, आप सभी से भी निवेदन है, और ये हमारे साथ फौजी अनिल कस्वा थे जो सिरोही के हैं, ये इनकी खासियत देखिए, ड्यूटी से छुट्टी आते हैं 2 महीने 1 महीने 15 दिन, लेकिन यहाँ पेड़ लगाने का, यहाँ सामाजिक कार्य करने का ये कार्य करते हैं लगातार, और हमने उनको देखा है, आप भी देख सकते हो इनकी FB ID पर जाके, तो आज ये हमसे जुड़े, और हमारे छोटे भाई समान ही है क्योंकि इतना अच्छा कार्य करते हैं, मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि पेड़ लगाना जो एक कहावत है शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार भी, कि जो पेड़ लगाते हैं, जो पेड़ बढ़ता है ना, जो पेड़ की हम परवरिश करते हैं, जो ऊंचाई पर जाता है, बढ़ता है आगे आगे, त्यों त्यों हमारी भी प्रोग्रेस होती है, ऐसा बताया गया है, उस अनुसार हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ लगाने से ही बारिश आएगी, बारिश लगाने से किसान की फसल होगी, और किसान की फसल होगी तो बाजार में जांच अवश्य कर लीजिएगा, बाजार में आने से पहले 4 जगह तोल के लाइएगा, या धर्म कांटे पर जाइएगा, पूरी ट्रॉली है, ट्रक है, तो उसको वहीं तुलवाइएगा, फिर वजन देखिएगा। मेरा उद्देश्य था कि सभी को सावधान करना, बाकी दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है, पत्रकार के साथ मानवता भी जरूरी है, और उसी को लेकर साथ चलना है। और कस्वा जी, आप भी इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको, जो आप पर्यावरण के प्रति, सामाजिक सेवा के प्रति कार्य कर रहे हैं, और जीवन यही है, कम से कम एक दिन मरेंगे तो लोग याद तो रखेंगे, और मरेंगे जब आएगी मौत, कोई याद करे ना करे, ईश्वर ने हमें जिस काम के लिए भेजा है उसका हमें कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ऋण चुकाने का छोटा मोटा सहयोग ईश्वर के लिए करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर मानव कर्म को मिले नहीं मिले, लोग याद रखे नहीं रखे, क्योंकि लोग जलते भी खूब है और अपने प्रशंसक भी खूब है, लेकिन ये जरूर है कि परमात्मा ने हमें आंख दी, तो अंधे को अगर आंख नहीं देता तो अंधा ये कहता है कि मेरे को परमात्मा ने आंख दी होती भगवान ने तो मैं आज दुनिया में क्या पता क्या कर देता, लेकिन हमें आंख देने के बाद में भी हम इन इंद्रियों का, इस शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर किस बात का जीवन। अजी देखिए, हमें छोटा सा एक उदाहरण दूं मैं, कि जैसे किसी का हाथ कट गया या अंगुली कट गई, किसी की अंगुली कट गई, तो आप डॉक्टर के पास जाइए,
आप अपना भ्रम दूर कीजिए, एक ही सेकंड में भ्रम दूर हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, बोले साहब मेरे को ये उंगली दूसरी लगवानी है, वो आपको 5 से 10 लाख रुपए बता देगा। एक उंगली लगाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए बता देगा, तो कल्पना करो हमारे शरीर की क्या कीमत है। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। उस ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रति मिनट कि ये ईश्वर आपने जो अमूल्य जो जीवन हमें दिया है उसमें से कुछ ना कुछ, ज्यादा भी नहीं तो हमें कुछ ना कुछ 5 मिनट भी के हिसाब से भी अपने को अच्छे काम में लगाना चाहिए। बिल्कुल। जिसको आंख नहीं दी उससे पूछो कि आंख होती क्या है, जिसको पैर नहीं दिए उससे पूछो पैर होते क्या है, जिसको हाथ नहीं दिए उससे पूछो हाथ होते क्या है। दीपक जी पूछने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात करूं मैं, आप एक दिन ऐसा सोचिए कि मेरे को आज मेरे बाएं हाथ उपयोग में नहीं लेना है, खाली बांध के रखिए, आपको एहसास हो जाएगा उसी दिन, आपको उसी दिन एहसास हो जाएगा कि एक हाथ की कीमत। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। एक आंख आपके पास दो आंखें हैं, एक आंख पे पट्टी बांध के आप आधे घंटे पट्टी बांध के रखिए, आपको पता चल जाएगा आंख की कीमत क्या है। तो उपयोग करना चाहिए, पर इंसान बिगड़ चुका है, ज्यादातर इंसान अपना मार्ग अपना जीवन का उद्देश्य भटक चुका है, अपनी मानवता इंसानियत को भूल चुका है। हम इंसान है, इंसान है जो आज भी मानवता, एक मिनट, आज भी मानवता इंसानियत को जिंदा रख रहे हैं, जो लोग वास्तव में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है। बताइए कशवा जी। अजी सीधी सी बात है, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसके तो हमें मतलब इस जन्म में तो क्या 7 आने वाले 7 जन्मों में नहीं चुका पाएंगे ऋण। सीधी सी बात है, जैसे हमने मान लो किसी से धोखे से 1 लाख रुपए ले लिए, किसी से अपने भाई से मान लो या बड़े भाई से मान लो छोटे भाई से मान लो या किसी रिश्तेदार से मांग लो या किसी परिचित से हमने 1 लाख रुपए ले लिए, धोखे से रख लिए अपने पास, ठीक है रख लिए, वो पैसे हमने 1 साल बाद में खर्च कर दिए, ठीक है। लेकिन या हम किसी की जमीन हड़प ली हमने मान लो, अब हम आज रहेंगे वो जमीन है, कल को वही जमीन हमारा बच्चा दारू पी के किसी और को दे देगा, फिर वो हमारे पास तो रही नहीं ना, तो किसके लिए कर रहे फिर हम। संस्कार की जरूरत है, तो मैं तो ये अध्यात्म की जरूरत है, इंसानियत और मानवता की जरूरत है और होशियारी की जरूरत है। अजी सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूंगा ईश्वर का हर दिन इंसान को सुबह उठे या शाम को एक बार सारे दिन में एक बार 5 मिनट ईश्वर को याद करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 मिनट। अभी लाइट चल रहा है गुजर साहब, बाद में करता हूँ। बताइए कशवा जी, बताइए। खुद को एहसास हो जाएगा कि जो कर रहे हैं सही गलत का भी हम फैसला कर पाएंगे, किसी इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो आप 5 मिनट किसी चीज ईश्वर को याद करके देखिए, वो ईश्वर ही आपको बता देगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा प्रेम कहते हैं कि हर इंसान में ईश्वर है जी, और उस ईश्वर के साथ भी एक दानव भी है, लेकिन वो हम में डिपेंड करता है हम किसको जिंदा रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान के अंदर भगवान है, तो हर इंसान किसी इंसान के अंदर शैतान भी है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, किसको हमने अपने अंदर रख रहे हैं, किसको हम अनुमति दे रहे हैं, किसको हम पोषण दे रहे हैं। सही बात है। हाँ तो वही है, कहीं ना कहीं हमें ये प्रयास करना चाहिए हमेशा सकारात्मक रहने का। कसवा जी आज मैं पत्रकार बन गया, 10-15 साल हो गई मेरे को नीम का थाना में, लेकिन मेरा उद्देश्य था फौजी बनना, देश की सेवा करना, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। देखो ये सीधी सी एक बात है, सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सेवा का, यहाँ जो समाज में कचरा है ना वो सफाई कर रहा हूँ, एक सफाई कर्मचारी के तौर पर, जहाँ तक भगवान ने ताकत दी है जितनी हिम्मत है। सेवा आप किसी भी क्षेत्र में करो, सेवा अपने आप ही आप उसके लिए वो बना देगी आपको। जी जो सम्मान जो सेवा कर दिलाएगा ईश्वर, वो सेवा के बदौलत ही मिलता है।
बिल्कुल कमेंट में कई लोग तो अनाप शनाप कह देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए हम लगातार कर्म कर रहे हैं। बस कर्म की इच्छा नहीं है, कुछ मिले या नहीं मिले, किसी की तरफ से गाली भी मिलती है, किसी की तरफ से अच्छाई भी मिलती है, लेकिन उससे हम संबंध ना रख के हम सीधा हमारे कर्म पर निर्भर है। मैंने अभी 2 मिनट पहले तो बताया, हर इंसान में देव भी है और राक्षस भी है, तो बिल्कुल बिल्कुल किसको अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं तो कुछ बुरे भी कर रहे हैं, तो वही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा आदमी किस प्रवृत्ति का है। हाँ, चश्मा कौन सा है, हरा है या पीला है या काला है या नीला है, और जैसा चश्मा है वैसा ही दिखता है अगले को। एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, कि आज हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद कि हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद दिल से। जय हिंद जय भारत हमारे सभी दर्शकों को, आप तो शेयर करें, शेयर नहीं किया तो तभी तक पहुंचाएं, किसान भाइयों की फसल को कम ना तोले। ये एक हमने एक छोटा सा किस्सा हमने सुना है, बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं, कि एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर को दोनों को अलग अलग दिशा में भेजा गया। हाँ जी, जैसे एक गांव में भेजा गया, जैसे एक गांव है बड़ा सिरोही गांव हो गया, युधिष्ठिर को भेजा गया कि भाई जा बुरा आदमी ढूंढ के लाना है आपको जी, और दुर्योधन को भेजा गया कि भाई तेरे को अच्छा आदमी ढूंढ के लाना है। सुबह से शाम हो गई, उनको ना उनको दुर्योधन को अच्छा आदमी मिला ना युधिष्ठिर को बुरा आदमी मिला। शाम को आए, गुरु ने पूछा, हाँ भाई बताओ 2-4-5 आदमी के नाम तो बताओ। बोला साहब मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। तो वो कहते कि जिसको जैसा देखना होता है ना उसको वैसी ही दुनिया नजर आती है। अब आपने कहा कि कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरे कमेंट करते हैं, जो बुरे लोग हैं उनको फिर हम भी बुरे नजर आते हैं इसलिए वो बुरा कमेंट करते हैं, और जिनको अच्छे हैं उनको अच्छा नजर आएगा तो वो अच्छे कमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई कार्य गलत ना करें, हमें अवगत कराएं, सभी का फर्ज है, लेकिन अभद्र कमेंट करना, अनाप शनाप लिखना, ये अब उनकी सोच है, वो जाने भाई, करते रहें कोई दिक्कत नहीं, हमारे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अच्छा कहा आपने बिल्कुल कसवा जी, आपके नंबर मांग रहे हैं। नंबर तो क्या है कि आप किसी से ले लेना, नीम का थाना में पोस्ट ऑफिस के पास आकर हमारा ऑफिस पूछ सकते हो, वहाँ पे पत्रकार दीपक शर्मा के नाम से वहाँ मिल जाएंगे हम आपको। बाकी नंबर तो फोन ही नहीं उठा पाते लोगों के, इतना बिजी सेटलमेंट है, जलको शेखावटी भी चला रहे हैं, A1 टीवी भी है और भी है, तो फिर भी नंबर तो मनोजी से बात करेंगे, कई दिन हो गए मनोजी आपसे बात करेंगे जल्दी, आप तो पोस्ट ऑफिस के पास आके पूछ लेना किसी को भी, दीपक शर्मा नीम का थाना में। नहीं तो मोनू जी के खुद के नंबर छोड़ देंगे, बात कर लेना। हाँ मोनू जी नहीं, अपने नंबर भेज देंगे, डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। जी 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 जी, और कोई भी विद्वान साथी जो जुड़ा हो, जुड़ना चाह रहा हो, उनको भी ऐड कीजिए। हाँ हाँ नहीं ऐड तो कोई अब होना चाहे, मैं हमारे दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं वो हमसे बात करना चाहे, किसी आपकी और समस्या हो उस पर चर्चा करना चाहे, वैसे तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे रोजाना समय निकाल कर कि आपकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करें, तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या हम आपको भेज सकते हैं, तो आप जुड़, आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे सवाल करें, हमें जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, जितना थोड़ा बहुत आता है उतना हम बताने की कोशिश करेंगे, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए, क्या पता आपकी समाधान का कोई तरीका मिल जाए, तो हमें जितना अनुभव रखते हैं थोड़ा बहुत उसके अनुसार हम आपको बता पाएंगे। आप भी हमसे लाइव में जुड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और बाकी रिक्वेस्ट मैं भी भेजता हूँ। देखे ये मैंने मोनू जी को, हाँ इनके जो तो नाम आ रहे हैं इनके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऊपर जो प्लस का निशान आएगा फिर एक क्लोज बता रहा है, मोनू जी का भी नहीं आ रहा। बाकी कोई लाइव में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या है तो हमसे आप राय भी ले सकते हैं। जिन भी साथियों की जो भी कोई समस्या है साझा जरूर करें, हम भी जो भी प्रयास, आज आज तो विषय यही था कि किसान की समस्या का, किसान की फसल कम ना तोली जाए,
किसान की जो फसल नीम का थाना के बाजार में मामूली दो चार व्यापारियों के द्वारा जो कम तोली जा रही है, व्यापारियों को ठगा जा रहा है, पैसे ज्यादा बता दिए जाते हैं लेकिन फसल को कांटे में गड़बड़ी करके कम तोल दिया जाता है, किसान को पता नहीं चलता। उसी विषय पे आज ये था हमारा लाइव सेशन। और बाकी कसवा जी आप भी आए और आपने भी पेड़ों के महत्व और किसान के संबंध बताया, ये भी बहुत अच्छी बात और काफी लोगों को फायदा मिला। अगर हमारे दोनों के विचार करने से, बातचीत करने से फायदा मिला है तो अच्छी बात है। बाकी संसार में कर्म करते रहो, दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, जिसके जैसे चश्मा है ना, चश्मा वैसा दिखता है, देख लेना दो। ठीक है भाई, देख आराम से, काले दिख रहे हैं तो काले देख, नीले दिख रहे हैं तो नीले देख, लाल दिख रहे हैं तो लाल देख, हरे दिख रहे हैं तो हरे देख, चश्मा लगाएगा वैसा दिख जाएंगे। बाकी खुली आंखों से देखना चाहे तो खुली आंखों से देख। और हमारे प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है कसवा जी, आप करें, हमारी पूजा पाठ का समय हो गया। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देश सेवा पर्यावरण सेवा के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।